Hello students, this is Rajiv and you are watching AIIMS Academy. So today we are going to start a very important chapter, surface areas and volumes. One of the most important chapter है because इसका weightage बहुत ज़्यादा है और इसमें कई सारी identities हैं जिसकी वजह से ये जो chapter है बच्चों को usually tough लगता है. So today we are going to start the introduction of exercise 13.1. आज हम बेटा 13.1 का introduction करेंगे, which is based on cube and cuboids. So which is based on cuboid and cubes. So पहले हम समझते हैं बेटा cuboid और cube होते क्या हैं और उसकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं. जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन सरफेस एरियाज ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब्स. लेकिन मैं साथ में इसको आपको वॉल्यूम भी बता दूंगा, जो वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट क्यूबॉइड. बेटा क्यूबॉइड होता क्या है? ये बेटा हमारा हमारी जो शेप है ये किस शेप की है बेटा? क्यूबॉइड शेप की. जैसे कि ये डस्टर है, किस शेप का है? क्यूबॉइड. या फिर आपने ब्रिक तो देखी होगी, ईंट जो होती है वो किस शेप की होती है? क्यूबॉइड शेप की. अगर बेटा मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है इसकी ब्रेथ और ये होती है इसकी हाइट. ठीक है, इसकी कुछ पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. जैसे कि इसमें कितने फेसेस होते हैं, इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस और कितने इसमें एजेस होती हैं. पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा फेसेस का क्या मतलब है. बेटा ये बताइए, ये जो आपको दिख रहा है इसके जो फ्रंट वाला है ये क्या है? आपका फेस. पीछे जो बना हुआ है वो क्या है? फेस. साइड में फेस, साइड में फेस, नीचे और ऊपर, ये सारे के सारे इसके फेसेस हैं. फॉर एग्जांपल ये इसका फेस है, पीछे भी इसका सेम ऐसा ही फेस है, ये इसका फेस है, ये ऊपर और नीचे, ये सारे के सारे इसके फेसेस हैं. तो अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो बेटा इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी वर्टिसेस की. वर्टिसेस का मतलब है इसके कॉर्नर. ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, ये बेटा इसका सिंगुलर है और वर्टिसेस मींस प्लूरल. ठीक है, तो ये इसका, तो कितने इसमें वर्टिसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो इसका मतलब इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं? 8. ठीक है, और अगर बात करें एजेस की, एजेस का क्या मतलब है? ये जो बेटा यहां से यहां तक की लाइन है ना, यहां से यहां तक की, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एजेस. ठीक है, तो देखें एजेस कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, फिर देखिए 9, 10, 11 और 12. तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने एजेस होती हैं? 12. गॉट इट? सो अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस. गॉट इट? अब बात करते हैं बेटा इसके एरिया की. ठीक है, लेकिन इसके एरिया से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं एंड दैट इज रेक्टेंगल. बेटा रेक्टेंगल क्या होता है? आपने बेटा बचपन से पढ़ा है रेक्टेंगल के बारे में. ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ. अगर इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब आप सोच रहे होंगे सर क्यूबॉइड में आप रेक्टेंगल के बारे में क्यों समझा रहे हैं? तो देखिए इसका बेटा ये जो फ्रंट वाला फेस है ये आपको बिल्कुल कैसा नजर आ रहा है? रेक्टेंगल की शेप का नजर आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है,
तो पहला देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका बेटा लैटरल सर्फेस एरिया क्या होता है, अगर मैं इसकी बेटा बाउंड्रीज यहां से चलना शुरू करूं, इधर से फिर इधर फिर पीछे से, और ये तो इसका ये वाला जो टॉप और बॉटम को छोड़कर ये वाला जो फेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका लैटरल सर्फेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम, लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होगा इसका लैटरल सर्फेस एरिया देखते हैं, इधर देखते हैं, लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो इधर, अगर मैं इस फ्रंट वाले की बात करूं तो फ्रंट का एरिया क्या होगा, देखो फ्रंट वाला अगर मैं बिल्कुल इससे कंपेयर करूं इसको, या फिर इस वाले फेस को उठाकर मैं इधर रखूं, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब कि इसका एरिया क्या होगा, एल इन टू बी। लेकिन यहाँ पे लेंथ की जगह पर तो लेंथ है और ब्रेथ की जगह पर क्या है, हाइट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इन टू एच। गॉट इट। अगर मैं इसके लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो एक फ्रंट में जैसा फेस है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही एक बैक में होगा, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे कितने फेसेस हैं, टू, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे टू प्लस। अब मैं अगर इसका साइड व्यू देखूं, साइड व्यू क्या है बेटा, बी इन टू एच, ऐसे कितने फेसेस हैं, एक इधर है और एक इधर है, इसलिए बेटा आंसर क्या आ जाएगा, टू बी इन टू एच। गॉट इट। अगर आप यहां से कॉमन लोगे तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, टू और एच, यहां पर भी टू और एच, तो अगर आप टू एच कॉमन ले लो तो यहां पर क्या बचेगा, देखो टू एच कॉमन निकल गया, क्या बचा, एल प्लस, और ये देखो यहां से 2 और h कॉमन निकल गया, क्या बचा, b। गॉट इट। तो इसका मतलब ये है कि बेटा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, 2h ब्रैकेट में l प्लस b। गॉट इट। नेक्स्ट इसके बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, एक बात बताओ, हमने फोर वॉल्स का तो ऑलरेडी निकाल रखा है, वो क्या है, ये 2LH प्लस 2BH प्लस, अभी हमने कौन सा ऐड नहीं किया है, बॉटम का और टॉप का। तो अगर आप बॉटम को देखो, सही से देखो, बॉटम में क्या है, L इंटू बी, एल इंटू बी, ऐसे कितने हैं, एक नीचे और एक ऊपर है, तो टोटल कितने हो गए, टू। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालूंगा तो क्या होगा बेटा, टू कॉमन ले लीजिए, एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। गॉट इट। तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। कई सारे बेटा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना ही यूज होगा आपका लैटरल सरफेस एरिया और ना ही यूज होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। कई सारे क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग डिराइव करना होता है, उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मान लीजिए एक रूम है, अगर इस रूम में आपको पेंट करना है तो कहां कहां पेंट करेंगे आप, देखिए इस वाली वॉल पे फ्रंट, बैक वाली वॉल इधर वाली वॉल पर इधर, और सीलिंग पे। क्या आप बेटा फ्लोर पर भी पेंट करेंगे, नहीं, फ्लोर पर हम बेटा पेंट नहीं करवाते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, ठीक है, तो इस केस में आप ये वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि वाइट वॉश जो होती है उसको हम फ्लोर पे नहीं करवाते हैं। तो इस केस में हमें डिराइव करना होगा फॉर्मूला, क्या होगा देखते हैं। अब आपको पेंट कहां कहां करवाना, देखिए एक तो इस वाले फेस पे, और इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एच, एल इंटू एच, एक जैसी वॉल इधर है बिल्कुल वैसी ही सेम वॉल पीछे है, तो टोटल क्या होगा, 2L इंटू एच। गॉट इट। इसके बाद बात करते हैं बेटा साइड की, साइड वाली वॉल पे भी करवाएंगे तो साइड का क्या है, B इंटू एच, एक जैसी वॉल इधर है बिल्कुल सेम ऐसी ही वॉल इस तरफ है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2BH। अब आप मुझे ये बताइए क्या मैं 2L भी लिखूंगा, नहीं, क्योंकि यहां तो आपको करवानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल डिट्टो जैसा नीचे है बिल्कुल वैसा ही फेस ऊपर है,
तो ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा यही लगाएंगे, कई बार हमें ऐसे ड्राइव करना होता है। और कहां पे कर सकते हैं, मान लीजिए एक क्यूबॉइड शेप का आपने टेंट लगवाया है, तो भाई टेंट कहां पे, क्लोज टेंट, तो कहां कहां पे आप लगवाएंगे, कर्टन्स जो है वो कहां कहां लगेंगे, इधर पीछे साइड में यहां और टॉप पे। क्या बेटा नीचे भी कर्टन लगते हैं? नहीं बेटा, वहां तो मैट बिछती है, ठीक है। तो इस केस में भी आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई बार डिराइव करना पड़ता है। गॉट इट? सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर देखिए, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So today we are here with another topic and that is volume of cuboid and cube, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई किस तरीके से volume cube का और cuboid का और cube का एक दूसरे से related है और किस तरीके से इनके formula derive होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले cuboid की। तो हमें निकालना है volume of cuboid। Just suppose volume होता क्या, पहले volume की बात करते हैं। Volume का मतलब होता है capacity। Capacity का मतलब ये है कि अगर मैं इस, मान लीजिए ये क्यूबॉइडिकल टैंक है, इसमें मैं अगर पानी भरूं तो ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो होल्ड करने की कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो उसकी लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा वाटर आएगा, लेंथ कम होगी तो कम वाटर आएगा। तो इसका मतलब पहली चीज तो है लेंथ इनटू, दूसरी चीज है इसकी ब्रेथ। देखिए अगर ब्रेथ ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा आएगा, ब्रेथ कम होगी तो पानी कम आएगा। तो दूसरी चीज क्या है, ब्रेथ। और तीसरी चीज क्या है, इसकी हाइट। ऑब्वियसली अगर हाइट ज्यादा होगी टैंक की तो वाटर ज्यादा आएगा, और अगर हाइट कम हुई तो वाटर कम आएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ सीखने की नीड नहीं है। बात करते हैं हम क्यूब की। बेटा क्यूब इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड इन विच All the sides are equal, मतलब कि इसकी length अगर 10 सेंटीमीटर हुई तो breadth भी 10 सेंटीमीटर होगी और height भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे cuboid को हम क्या बोलते हैं, cube बोलते हैं, clear है। अगर बेटा ये cuboid है तो इसका भी formula क्या होगा, L into B into H, but इसकी length कितनी है, मान लीजिए just suppose A, क्योंकि सारी की सारी सेम है तो ए ए ए होगी, तो इसकी लेंथ कितनी है, ए, ब्रेथ कितनी है, ए, हाइट कितनी है, ए, तो ए इंटू ए इंटू ए, दैट मीन्स ए क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, ए क्यूब, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, एक तो ये हो सकता है भाई सिंपल सा के L into B into H, भाई आपको लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी और हाइट दे दी और आपसे पूछ लेंगे वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम बता दोगे तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको वॉल्यूम दे दे और लेंथ ब्रेथ दे दे, हाइट पूछ ले आपसे, ठीक है, या आपको ब्रेथ और हाइट दे दे लेंथ पूछ ले, या लेंथ और हाइट दे दे और ब्रेथ पूछ ले, यही फॉर्म यही हो सकता है और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। यही सेम केस इसमें क्यूब में, वो सिर्फ एक साइड आपको देंगे, मान लीजिए उन्होंने दे दिया एक क्यूब है, उसकी जो एज है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो आपको उसका क्या निकाल देना है, क्यूब निकाल देना है, यू विल गेट दी आंसर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आंसर है वो आपका आएगा लीटर में, ठीक है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा देखना होगा। याद रखना बेटा, 1 meter क्यूब इज इक्वल्स टू वॉट, 1000 liter, ठीक है, और 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 centimeter cube, ठीक है। इन यूनिट्स की बेटा आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो मेक श्योर आप इनको नोट में लिख लें।
सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.